हेलो चेरिकेस, कैसे हो? मज़े मार रहे हो? मस्ती 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 ऑल द टाइम। एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस तो आपको मास्क लगा के जाना है, भूलना मत। ठीक है, पिछली वाली कहानी अच्छी लगी? अच्छी लगी तो मैं आज फिर एक नई कहानी सुनाती हूँ। लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी टाइम। आज की मेरी नई स्टोरी का नाम पता है आपको क्या है? बहुत मज़ेदार नाम है। उसका नाम है सब्र का फल अंडा। अंडा, ठीक है। तो आज हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। वो दोनों बहुत मेहनत से अपने किसान जो है अपने खेतों पर काम करता था, फसल उगाता था, बीज बोता था, बहुत सारे काम करता था और उसका फल उसे ज़्यादा मिलता नहीं था। लेकिन एक बार उसकी फसल थोड़ी सी बेटर हो गई, अच्छी हुई, तो उसने फौरन उस फसल से जो बेचकर उसको पैसे मिले ना, उसने एक क्या खरीदी? मुर्गी। यस, उसने एक मुर्गी खरीदी और उस मुर्गी को वो अपने घर लेकर आया। उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैं ना चाहता हूँ मैं एक मुर्गी पालूँ और इसके जो अंडे मिलेंगे उसको बेच बेच कर हम थोड़ा बहुत पैसा और एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो उसकी वाइफ ने कहा ठीक है, ये आइडिया भी आपका अच्छा है, ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो दोनों मिलकर उस मुर्गी को भी पालने लगे। तो मुर्गी ने दूसरे दिन क्या दिया बताया आपको? सोने का अंडा। वाओ, गोल्ड का अंडा। पता है, अब तो जब किसान गया और उसने देखा कि वहां तो अंडे नॉर्मल नहीं है, वहां उसका अंडा तो सोने का है, चमचमाता। अब तो किसान बहुत खुश हुआ। उसने पहला अंडा अपना रख दिया जाके कि देखता हूँ कल क्या होता है। वो कल दूसरे दिन उठा, फिर दोबारा वो जल्दी से दौड़कर मुर्गी के पास गया और देखा फिर सोने का अंडा। फिर तीसरे दिन भी, अब तो फिर उसने अंडा वो जो था सोने का वो बेचने लगा और उसको बहुत पैसे मिलने लगे। तो उस पैसे से जो अंडे बेचकर उसको पैसे मिलने लगे ना, उससे उसने एक बहुत बड़ा घर खरीदा। फिर उसको और पैसे मिले, उसने फिर एक गाड़ी खरीदी। फिर उसको और पैसे मिले, फिर उसने अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर को भी हायर कर लिया, उसने ड्राइवर को भी अपॉइंट करा। फिर उसको और पैसे मिले तो उसने और उसकी वाइफ ने मिलके एक वर्ल्ड ट्रिप पर चले गए। इस तरह करते करते भाई वो बहुत पैसे वाले हो गए, लोगों में दूर दूर तक उनका नाम हो गया। अब जो है एक दिन उसकी वाइफ ने एक सोचा कि क्यों ना हम एक साथ ही सारे मुर्गी से अंडे ले लें उसको, और हम एक साथ ही अमीर हो जाएंगे। फिर हम एक पूरा का पूरी ज़मीन खरीद लेंगे, गांव खरीद लेंगे, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। यहीं तो गलती हो गई ना, ये लालच आ गया उनको। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस मुर्गी को काट देते हैं और इसके अंदर जितने भी गोल्ड के एग्स हैं एक साथ निकाल लेंगे। तो किसान और उसकी वाइफ धीरे 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 किसान उसकी मुर्गी के पास गया और उस मुर्गी को जैसे ही उन्होंने देखा, इसको अब हम काट के इसके सारे अंडे निकाल लेते हैं। और उन्होंने जाकर पता है आपको उस मुर्गी को काट दिया। और जब उन्होंने काट कर उसको खोला तो उसके अंदर तो अंडे नहीं थे, क्योंकि वो तो डेली प्रोड्यूस करती थी, वो तो एक मैजिकल थी ना। लेकिन इन बुद्धू लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो एक मैजिकल है और वो डेली उसको एक अंडा देना है। अगर आपने उसे काट दिया तो उसके अंदर थोड़ी ना अंडे थे। और वो बुद्धू
दोनों किसान और उसकी वाइफ तो ओहो फिर सैड हो गए बहुत। और उन्होंने उनको और ना उनको फिर अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो बताओ अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? मुझे लगता है जो मेरे को सीखने को मिला वो ये है कि हमें पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए ना। कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सब्र के साथ आराम से सोच समझ कर चीज़ को तब कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो मैं अब आपको एक बहुत मज़ेदार काम दूँ। तो ये बताओ कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। तो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू गेम। और तब तक के लिए मैं नई स्टोरी फिर सोचती हूँ, फिर सुनाती हूँ आपको। तब तक निकलती हूँ, बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई फेसबुक। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। चेरी किड्स लव यू।